ना एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में को याद रखने के लिए हेडिंग्स को याद रखने के लिए ये याद रखो कि पहले उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल रहता है. अब सेल वॉल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट. तो अभी ना पहले सेल वॉल को सिंथेसिस को इनिबिट कर रहे हैं, देन हम लोग को प्रोटीन फॉर्म होता है, सो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रहे हैं. प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, mRNA से फॉर्म होता है, राइट. अब ये मिसरीडिंग ऑफ mRNA हो रहा है, तो हम लोग को प्रोटीन सिंथेसिस भी इनिबिट हो चुका है, ओके, जिसके चलते हमारा परमेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, देन DNA फंक्शन इंटरफियर हो रहा है, ओके. तो हम लोग को पता है mRNA भी नहीं फॉर्म होता, उसके ऊपर क्या DNA फंक्शन, तो दो फंक्शन इंटरफियर होगा, एक तो DNA फंक्शन और इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म में, दोनों फंक्शन इंटरबिट हो गया, ये इंटरफियर हो रहा है, देन हम लोग को DNA गायरेज जो एंजाइम है ना वो भी इनिबिट हो रहा है. सो ये 6 एडिंग्स हो गया, देन ये सब होने के बाद क्या होगा, हमारा सेल लीकेज हो जाएगा, सो कॉज लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, सो एडिंग है, सो 7 एडिंग्स हो गया. तो हम लोग को सेल वॉल सिंथेसिस में याद रखना है, तो इनिबिट करने वाले में PCCVMB, देखो पी मतलब पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, ओके, देन मोनोकार्बापिनम्स एंड साइक्लोसरीन, ऐसे याद रखे. देन हम लोग को VMB में वैंकोमाइसिन, मोनोबैक्टम्स और बेसिट्रेसिन. सी फेल हो गया, सो सी फेलोस्पोरिन, ओके, गिर चुकी है, तो इसके लिए कार से पिनम्स ले जा रहे हैं और साइकिल से सेरिन जा रही है उसे मिलने के लिए. तो सी फेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, साइक्लोसेरिन, ये इजी है. सो PCCC हो गया, VMB देखना है, वैंकोमाइसिन, मोनोबैक्टम एंड देन बेसिट्रेसिन, मोनोबैक्टम एंड बेसिट्रेसिन, ये हो गया. प्रोटीन सिंथेसिस में याद रखना है, तो साइकिल से राम ना लाइन में खड़ा हो रहा है, बोलो साइकिल से राम लाइन में खड़ा हो रहा है, तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकॉल एंड देन लिनिजोलिड, लिनिजोलिड. एक्स्ट्रा में दो माइसिन याद रखना, एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, ओके, एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला. मिस रीडिंग ऑफ mRNA में क्या रखना है, तो हम लोग को देखो मिस रीडिंग मिस आ रहा है, तो इसमें माइसिन खत्म होगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सब क्या हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, सो वो सब हो रहा है. देन हम लोग को इंटरफेयर विद DNA फंक्शन, तो रिफैम्पिन याद रखो, DNA तो स्टॉप मोस्ट है, तो पिन करके रखा हुआ, तो रिफैम्पिन ये हो जाएगा. इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करने में SSTMP याद रख लो, सल्फोनामाइड्स और सल्फोन्स याद रख लेंगे, और एक क्या है, सल्फोनामाइड, सेलफोन, ये इजी है SSS में. देन हम लोग को TMP याद रखना है, ट्राइमेथोप्रिन. तीन जन मिलके पायरेट को पकड़ने के लिए मेट्रो से जा रहे हैं और वहाँ पे उनको साइकिल से एक आदमी मिल रहा है, साली साइक्लिक एसिड, ओके, से याद रख लेंगे क्या है, ट्राइमेथोप्रिन है ना, ट्राइमेथोप्रिन टी से हम से मेट्रोनिडाजो. तीन जन जा रहे हैं कहाँ, मेट्रो से जा रहे हैं पायरेट को पकड़ने, से पायरीमेथमिन, पायरीमेथमिन, सो मेट्रोनिडाजो, पायरीमेथमिन और पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, सो TMP SSTMP ये हो जाएगा. देन DNA गायरेस को इनिबिट करने वाला क्या है, गायरेस, गाय तो ऑक्स आएगा पक्का, सो गाय, गायरेस आ रहा है तो फ्लॉक्सैसिन, सिप्रोफ्लॉक्सैसिन, फ्लोरोक्विनोलोन, सारे ड्रग्स आ जाएंगे DNA गायरेस में. गाय ऐसे याद रख लो, ऑक्स आएगा, गाय ऑक्स, सो सिप्रोफ्लॉक्सैसिन हो जाएगा. कॉस लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, यानी हम लोग को मिक्स, देखो अभी क्या हो रहा है ना, बैक्टीरिया निकल रहा है, लीकेज होने से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया निकल रहा है, मिक्स होकर निकल रहा है, किसके साथ मिक्स होकर, तो कोली के साथ मिक्स होकर निकल रहा है, बैक्टीरिया मिक्स होकर निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलिन से साफ कर रहे हैं और एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हैं, ऐसे याद रख लो. सो बोलो पॉली बैक्टीरिया, तो बेसिट्रेसिन याद रख लेंगे, मिक्स हो तो पॉलीमिक्सिन, ओके, पॉलीमिक्सिन मिक्स होकर निकल रहा है, कोलिन से साफ कर रहे हैं, सो कोलिस्टिन, कोलिस्टिन याद रख लो, कोलिस्टिन, एंड देन हम लोग एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हैं, सो याद रख लो, बैक्टीरिया बेसिट्रेसिन मिक्स होकर निकल रहा है, पॉलीमिक्सिन, कोलिन से साफ कर रहे हैं, सो कोलिस्टिन एंड देन एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हैं, सो ईजी हो गया. तो इनविद सेल वॉल सिंथेसिस में याद रखना, सो इसको फर्स्ट देख लेंगे, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करना है, देन mRNA हम लोग को होगा, फिर DNA फंक्शन इंटरफेयर होगा, देन इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म और DNA गायरेज इनिबिट हो रहा है, और फिर हम लोग को लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन हो रहा है, राइट. तो हम लोग इसमें आगे PCCVMB VMB याद रख लेंगे, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन, मोनोबैक्टम और बेसिट्रेसिन. देन हम लोग को ये अगर प्रोटीन साइकिल से राम जा रहा है लाइन में खड़े हो रहे हैं, सो क्लोरामफेनिकॉल लाइन, लिनिजोलिड, एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, इजी है. इसमें दोनों दो माइसिन खाली एक्स्ट्रा याद रखना, एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन. देन हम लोग को मिस रीडिंग हो रहा है, तो मिस आएगा, मिस आएगा जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स है. अगर DNA फंक्शन DNA को पिन करके रखता है, रिफैम्पिन आ जाएगा. इंटरमीडिएट मतलब SSTMP याद रख लो, सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, टी मतलब ट्राई में, तो प्रिंट, तीन जन मिलकर पायरेट को मेट्रो से पकड़ने जा रहे हैं, सो मेट्रोनिडाइल्स और पायरीमेथमिन एंड पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड हो जाएगा. DNA गायरेस यानी कहते हैं गाय आ रहा है तो ऑक्स आएगा, सो सिप्रोफ्लॉक्सैसिन हो जाएगा, देन अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स हो जाएंगे. लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, हमारा मिक्स होकर बाहर निकल रहा है, सो याद रख लेंगे बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन एंड देन हमारा एम्फोटेरिसिन बी, ओके, डन.